मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा को कंटिन्यू करते हैं। और जो मोल कंसेप्ट का एक मेन हिस्सा है, अपन ने कहा तीन एक्चुअली पार्ट इस चैप्टर में, तीन तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। जो तीन तरह के न्यूमेरिकल बने थे, उन तीनों तरह के न्यूमेरिकल फर्स्ट वैरायटी कंप्लीट हो चुकी है। जो सिंपल मोल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, वो साधारण मोल पर आधारित है, मतलब आयतन दिया, मोल कैलकुलेट किया, सिंपल से ओपन डिस्कस किए। लेकिन दूसरा टाइप जो था वो क्वेश्चन बेस्ड था, ज़्यादातर यहीं से आता है क्वेश्चन, क्योंकि मोल की जो कैलकुलेशन वो यहाँ काम में आएगी। अरे यार, एग्जामिनर आपसे क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछे वो आपसे? एग्जामिनर चाहेगा कि जब वो 45 क्वेश्चन देता है, 35 क्वेश्चन देता है, या 30 क्वेश्चन देता है, जितने भी क्वेश्चन देगा वो। एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, इस बार नए पैटर्न 50 क्वेश्चन दिए, लेकिन करने तो 45 हैं। उन 45 में इन 25 ऑलमोस्ट चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिला के। हर चैप्टर में इतनी सारी हेडिंग है और ऑलमोस्ट सब कवर करना चाहता है। तो जब सब कवर करने के लिए एक हेडिंग से बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक क्वेश्चन देनी चाहिए, और वो देते भी हैं। वैसे ही यदि अपन जेई की बात करें, एडवांस में 18 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 18 20, मतलब 18 मतलब 20 से कम रहते हैं, 15 से ज़्यादा रहते हैं इन जनरल क्वेश्चन। IIT एडवांस में दो पेपर होते हैं। उसके अलावा जो मेंस की बात करें, तो मेंस में फिक्स है 25 करने होते हैं। अभी जो पैटर्न चल रहा है, 30 में से 25 करने हैं। तो 25 हर चैप्टर से एवरेज एक क्वेश्चन बैठ रहा है, सिर्फ इनऑर्गेनिक फिजिकल से। लेकिन ऑर्गेनिक भी तो है, मतलब आप एवरेज बिठाओगे तो लगभग डेढ़ चैप्टर से एक क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो आप सोचो कि डेढ़ चैप्टर से एक क्वेश्चन देना, तो दिमाग नहीं लगाएंगे क्या इसमें हर चैप्टर का सब कुछ पूछा जाए? तो सब कुछ पूछा जाए तो मोल के अंदर सब कुछ पूछना है, तो या तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन दे या कंसेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन दे। जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इसके अंदर मोल की कैलकुलेशन भी काम में आ जाया करती है। तो अपन चर्चा करते हैं जो मोल की कैलकुलेशन जो एप्लीकेशन है, एक तरह से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में अपन ने देखा कि स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, वो अच्छे से सीखा। इसकी क्या फील है, ठीक है, वो कैसे काम में आता है, कैसे पहचाना जाता है, हर एक चीज़ अपन ने सीखी। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक्चुअली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं, एक जिसमें केवल अकेला रिएक्टेंट हो, एक जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आ जाए। दोनों अलग अलग कंसेप्ट लगेंगे। जब एक ही रिएक्टेंट है तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हार्ड क्वेश्चन या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन पाता। लेकिन जब रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा आ जाए, तो इसमें कुछ नए कंसेप्ट ऐड होंगे, कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी, जो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करेगी। तो चलिए अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं नवीन जोशी मोल कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मोल अवधारणा को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और उसके अंदर अपन सीख रहे हैं रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही प्रीमियम पार्ट मान लो इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें अब तक का सारा चैप्टर काम में आएगा। ठीक है, तो चलो डियर करते हैं कंटिन्यू। अपन लोग आज की हेडिंग अपनी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, रिएक्शन अभिक्रिया आधारित प्रश्न को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लिखते हैं रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और इसके अंदर अपनी जो सब हेडिंग है, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। दो तरह के क्वेश्चन बना करते हैं व्हेन सिंगल रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। जब एक अकेला रिएक्टेंट ही हो, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर प्रेजेंट। रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, तो कैसे अपने को डील करना है, कैसे अपने काम करना है। तो जो पहला और सिंपल सा पार्ट है, सिंगल रिएक्टेंट, 5 मिनट का काम है देखना। और सही बात बताऊँ कि इसको अपन ने सीख लिया है, बस इसको एक बार रिवाइज करना, रिकॉल करना है कहाँ सीखा और कैसे सीखा। तो कंटिन्यू करते हैं व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, इसमें मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ। अभिक्रिया पर आधारित प्रश्न दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जब अकेला या एक क्रियाकारक हो, जब एक क्रियाकारक हो, इसमें अलग अप्रोच लगेगी, जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक, दो या दो से अधिक क्रियाकारक, जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक, तो कैसे डील करना है। तो पहले मैं लिखता हूं व्हेन सिंगल रिएक्टेंट इज प्रेजेंट,
जब एक अकेला रिएक्टेंट ही हो तो कैसे डील करना है, सुनना। जब एक अकेला ही रिएक्टेंट हो, मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता भी हूँ किस तरह से इसमें क्वेश्चन बना करते हैं। जैसे आपको बोला कि H2O2 है, उससे H2O प्लस हाफ ओटो एक सिंपल सा सिंगल रिएक्टेंट टाइप का बन गया। जैसे HF है या HCl है, इसका H2 प्लस Cl2 ये एक रिएक्शन दे दिया, या फिर आपको रिएक्शन दे देगा 2NH3 यूज N2 प्लस 3H2। जनरली इसमें डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन आया करती है। PCl5 गिव्स Cl2 प्लस PCl3 KClO3। मतलब इसमें रिएक्शन कैसी मिला करेगी, मैं लिख रहा हूँ कुछ रिएक्शन ऐसी रिएक्शन मिलेगी। इसमें एक रिएक्टेंट है, देखो इन सब रिएक्शन में एक एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा। प्रोडक्ट पे अपने का मुद्दा है नहीं, अपना मुद्दा रिएक्टेंट का है, कितना रिएक्टेंट है। ठीक है, KClO3 गिव्स KCl प्लस 3/2O2। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिला करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को डील कैसे करना वो बताता हूँ, फिर एक दो एग्जांपल दूंगा। पहले मैं एक डीलिंग सिखाऊंगा कैसे डील करना है, फिर आप लोग मुझे कुछ आंसर देंगे लिख के। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन इसको ही डील कर लेता हूँ, जो H2O2 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जब H2O2 डिकम्पोज होता है, जब H2O2 डिकम्पोज होता है तो H2 प्लस हाफ O2 देता है। आपको बोल दिया जाए कि 3.4 ग्राम H2O2 जो है, 3.4 ग्राम H2O2 लिया जाए, उसको डिकम्पोज किया जाए, तो कितना वॉल्यूम एट H2O2 बनेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ H2O2 इसके कितना मास बनेगा, दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यदि आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, 3.4 ग्राम H2O2 को यदि डिकम्पोज किया जाए तो कितना मास H2 का बनेगा और कितना वॉल्यूम STP पर O2 का बनेगा। देखो इस क्वेश्चन में मैंने मोल की कैलकुलेशन भी काम में ली है, और इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी प्यारी प्यारी चर्चा भी की है। सॉरी, ये प्रोडक्ट में H2 है, सॉरी। चलो, तो इसमें आपको दो बातें पूछी हैं, एक तो इसका H2O का कितना मास बनेगा और V at STP कितना O2 बनेगा। तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करें, कैलकुलेट करें, फिर मुझे बताएं। चलो, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। मेरी टर्न, नाउ इट्स माय टर्न, मैं ट्राई करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से सिखाया था, पिछले से पिछले लेक्चर में अच्छे से सिखाया था कि रिएक्शन हमेशा किस में होती है, मोल के अंदर। और जब मोल में रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसका रेशियो क्या जाता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल में अभिक्रिया करते हैं, रस समीकरण में गुणांक के अनुपात में करते हैं। तो इन दोनों बातों की मैं हेल्प लेता हूं और इसको ट्राई करता हूं, क्वेश्चन को कैसे डील करना है मेरे को। देखो, चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो भी तुम्हें सिखाया जा रहा है अच्छे से, आप तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। जब मैं बोलता हूँ आप अपने लेवल पे ट्राई करो, तो आप ट्राई करो अपने लेवल पे, और दिक्कत आए तो पूछो मुझसे, लेकिन आपको सीखना और ज़रूर सीखना बेटा, आपको सीखना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, तो 3.4 ग्राम अपन ने H2O लिया, तो इस पर चर्चा करते हैं। देखना ज़रा ध्यान से, पहला काम आपको मोल निकालना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो गिवन मास और H2O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 16 ये हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो 32 प्लस 2, 34। वेरी गुड, अच्छा डेटा दिया सामने वाले क्वेश्चन वाले ने। 34 इसका गिवन मास, सॉरी 3.4 इसका गिवन मास, मोलर मास 34, इसका 0.1 मोल आ गया। रिएक्टेंट कितना आ गया, 0.1 मोल। तो सिंपल सी बात है, इसका स्टाइक्योमेट्री 1 है, इसका स्टाइक्योमेट्री 1, इसका 1/2 है, ये 1:1 में है। तो इससे ये अपने को चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, भाई इसके N1 मोल मान लेता हूँ, पहले निकले इसके N2 मोल, तो 1:1 में तो इक्वली मोल नहीं होंगे क्या, तो N1 कितना आ गया, 0.1। और दूसरा ये N1 N2 है, तो आप चाहो तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि इसका स्टैक्योमेट्री डिवाइड बाई इसका स्टैक्योमेट्री, इसका रस समीकरण मिति गुणांक बटा इसका रस समीकरण मिति गुणांक बराबर इसके मोल बटा इसके मोल, जो अपन ने लिखा था। दोनों की स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 और 1/2 इज इक्वल्स टू इसके मोल कितने हैं, 0.1, और इसके मोल कितने हैं, N2। तो N2 क्या आ जाएगा, 0.1/2, N2 आ जाएगा 0.1/2 या 1/20, 0.1/2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है कि इसका मास कितना बनेगा, तो अपने को मोल पता है, मास पे जाना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, H2O का मोलर मास 18 होता है, 1.8 ग्राम ये बनेगा। और यदि O2 का वी एट एस टी वी मोल कितना है, 1/20 मोल है। तो जब भी अपने पास मोल है
तो वी एट एस टी भी निकालना है, और 22.4 अपने को पता ही है लीटर में होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दो मोल को, तो वी एट एस टी भी आ जाएगा, तो 1/20 मल्टीप्लाई बाई 22.4 तो कितना आ जाएगा 11.2, तो 1.12 लीटर, तो ये आ जाएगा O2 का जो वॉल्यूम बना है। तो इस तरह से अपन ने सीखा, अपन ने देखा कि किस तरह से गिवन मास से अपन प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। यदि आपने अच्छे से सीखा है तो एक और देता हूँ मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ ट्राई करें इस क्वेश्चन को और मुझे इसका जवाब दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2NS3 गिव्स, यही वाली रिएक्शन काम में ले रहा हूँ, ये वाली ये भी N2+3H2, ठीक है, मुझे बनाना है 4 ग्राम H2, 4 ग्राम हाइड्रोजन मुझे बनाना है, तो इसका VATSTB कितना लेना पड़ेगा और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ये दो चीज़ें पूछी है मैंने कि NH3 का VATSTB कितना लेना पड़ेगा पहला पार्ट, और दूसरा N2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे यदि H2 मुझे 4 ग्राम बनाने हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें मोल की कैलकुलेशन काम में ली है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पर बहुत कुछ एक साथ पूछ लिया गया है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, मुझे आंसर दें, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर इंतज़ार कर रहा है, कमेंट बॉक्स आपके आंसर्स का, तो प्लीज़ उसको फिल कीजिए, उसमें अपने आंसर भरिए ताकि वो भी खिलखिलाए और मुझे बहुत अच्छा लगे, मुझे लगेगा कि यार आप लोग प्रयास कर रहे हो और इन प्रयासों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं आप पे प्रयास कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ आप भी वापस रिवर्स, आप वापस रिटर्न में मेहनत करें, बहुत अच्छा लगेगा। और आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, इस चैनल के लिए शेयरिंग ही कैरिंग है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब तक पहुँचाएं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।